नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे कि अब से शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको कि उसके साथ कौन कौन सी है पाबंदी, विस्तार से बताएंगे आपको। उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर चीन ने अब शुरू कर दी है सबकी जासूसी। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको कैसे। उससे आगे बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति बेहद चिंताजनक। जी हां दोस्तों, अल्पसंख्यकों की कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। जी हां दोस्तों, ये खबर आ रही है पाकिस्तान से, बताएंगे ये भी खबर विस्तार से। उससे आगे बताएंगे जहां पर 4 मई से चलेंगी बसें, जाने कहां और क्या क्या दी गई है उसमें छूट। जी हां दोस्तों, ये खबर बताएंगे विस्तार से। उससे आगे बताएंगे जहां पर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में फंसे छात्रों प्रवासी मजदूरों के लिए घर वापसी की योजना बन रही है। जी हां दोस्तों, बने रहिएगा, बताएंगे ये भी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां पर लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए राहत की खबर आ रही है दोस्तों, 6 रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन। बताएंगे दोस्तों कहां से कहां तक की ट्रेन चलेगी और कब कब चलेगी, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, और साथ ही अभी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दे कि ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन ये होगी पाबंदी। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए 4 मई से शुरू हो रहे हैं लॉकडाउन के तीसरे चरण में। ग्रीन जोन में शामिल जिलों में शराब और पान का दुकानें खुले जाएंगी, लेकिन इन दुकानों पर खरीदारों को 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। दुकान पर एक समय में 5 से अधिक लोग खड़े नहीं होंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ पाबंदियां हटाई जा रही हैं। जरूरी और गैर जरूरी के किसी भी भेद के बिना शहरी परिसरों में सभी स्टैंड अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों को खुले रखने की अनुमति होगी। निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% तक की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, बाकी लोगों को घर पर ही रहकर काम करना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बताना होगा कि आप लोगों के घर कौन से जोन में आते हैं दोस्तों, ग्रीन, ऑरेंज या रेड जोन में, बताइएगा जरूर। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन ने अब शुरू की सबकी जासूसी। 35 करोड़ सर्विलांस कैमरों से रख रहा है लोगों पर नजर। बता दे दोस्तों, चीन में क्वारंटीन में रह रहे लोगों की जासूसी किए जाने का मामला सामने आया है। ये जासूसी कोई और नहीं, चीन के राष्ट्रपति खुद जिनपिंग करा रहे हैं। दरअसल ऐसे लोगों के घरों के बाहर और यहां तक कि अंदर भी कैमरा लगाया जा रहा है जो कोरोना के संदिग्ध हैं और होम क्वारंटीन में शामिल है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरे चीन में अब तक करीब 35 करोड़ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सरकार ने हालांकि अपने इस कदम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जिन लोगों के घरों में कैमरा लगाए गए हैं उन्होंने मीडिया को ये जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी चीन की तरफ से। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से ये खबर आ रही है कि वहां पर मानवाधिकार की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है, अल्पसंख्यकों की कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि 2019 में पाकिस्तान का मानवाधिकार के मामलों में रिकॉर्ड बेहद चिंताजनक रहा है, जिसमें राजनीतिक विरोध के सुर पर व्यवस्थित तरीके से लगाम लगने के साथ ही मीडिया की आवाज भी दबाई गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कमजोरों और खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति और खराब होगी। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक स्वतंत्रता या मान्यता का लाभ पूरी तरह उठाने में सक्षम नहीं है, जिसकी गारंटी संविधान के तहत उन्हें दी गई है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक धर्म वालों को किसी तरह की छूट नहीं दी गई है दोस्तों। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और इसको लेकर पाकिस्तान को क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों यूएन के अकॉर्डिंग, वो भी जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में 4 मई से चलेंगी बसें, जाने और क्या क्या दी गई है छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। देश को इस बार 3 हिस्सों में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में देश के सभी जिलों को बांटा गया है। रेड जोन में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे, लेकिन ग्रीन जोन में लोगों को शर्तों के साथ छूट दी गई। आपको बता दें दोस्तों कि ग्रीन जोन में बसों को चलने की अनुमति भी दी गई है, हालांकि बसों में 50% सीटों पर ही यात्री होंगे, यानी आधी क्षमता के साथ बसों का संचालन किया जाएगा। बस डिपो से
बसें भी आधी ही चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर थी बसों को लेकर। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अपने ही राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं बस में, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा दोस्तों, और कहां से कहां जाएंगे वो भी जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नोएडा में फंसे छात्रों प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की योजना बना रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन में फंसे छात्रों मजदूरों और कामगारों को उनके घर वापस भेजने को लेकर शुक्रवार को यहां पुलिस आयुक्त आलोक सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से इसकी योजना तैयार करने को कहा है। यहां जारी एक बयान में आलोक सिंह ने कहा कि उक्त के संबंध में फंसे हुए छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं तथा बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त भी हुए हैं और एक्सेल शीट तैयार की जा रही है। पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में मूवमेंट प्लान, छात्रों की मेडिकल स्क्रीनिंग सहित सभी आवश्यक तैयारी व कार्य योजना समय से तैयार करने के निर्देश दिए गए। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो नोएडा में हैं और अपने घर जाना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ताकि आप लोगों की आगे की प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा सकेगी। तो चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए राहत, देश के इन 6 रूटों पर चलेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, बता दें आपको खुशी की खबर आप लोगों के लिए, जो लोग इतने दिनों से बेचैन थे ट्रेन को लेकर, उनको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिस तरह से देश में लॉकडाउन लगा है, वहीं मोदी सरकार ने अब लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए 1 मई यानी मजदूर दिवस से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इनमें लिंगपल्ली से हटिया, अलवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ और कोटा से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने बताया है कि इन स्पेशल ट्रेनों को ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए मानक प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर पॉइंट टू पॉइंट तक चलाया जाएगा। रेलवे और राज्य सरकारें इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन के समन्वय और सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि सारे यात्रियों की ढंग से जांच होगी। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन चलेंगी। अगर आपको लगता है कि ये स्पेशल ट्रेन आपके यहां से नहीं चल रही है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जगह के पास के रेलवे स्टेशन और जहां जाना है वहां का रेलवे स्टेशन का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ताकि अगर वहां से जुड़ी कोई खबर आएगी हमें ट्रेन को लेकर तो हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर स्कूल कॉलेजों को खुलने पर करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, HRD बना रहा है दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में दूसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है जो कि 3 मई तक का है। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद जो कि 3 मई तक का है, जिसके बाद कल ही 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद खुलने वाले स्कूल और कॉलेजों को HRD मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। HRD मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक स्कूल और कॉलेजों के दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद जब भी स्कूल और कॉलेज फिर से खुलेंगे तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। जी हां दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को ले जाने का किराया राज्यों से वसूलेगा रेलवे। जी हां दोस्तों, बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व पर्यटकों आदि को ले जाने का किराया रेलवे राज्यों से वसूलेगा। रेल मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में यह कहा गया है कि रेलवे ने ऐसे लोगों को ले जाने के लिए 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, जो हमने आपको अभी पहले पिछले न्यूज में बताया था दोस्तों। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मजदूरों को ट्रेन से वापस लाएगा शिवराज सरकार। जी हां दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि मामाज बिल्कुल सही सटीक काम कर रहे हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा उनके बारे में। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में लौट कर आए कामगारों को मिलेगा रोजगार, सवरेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 1 मई आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में लौटे कामगारों को योगी सरकार रोजगार देने की रणनीति बना रही है। इसके तहत तय किया गया है कि अभियान चलाकर सभी परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प कराया जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव RK तिवारी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प अभियान के तहत
ग्राम पंचायत और जिला खनिज निधि का उपयोग करते हुए मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं पूरी कराई जाएं। मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के आकलन व मूल्यांकन के आधार पर विद्यालयों की ग्रेडिंग और जिलों की रैंकिंग होगी, इसलिए तत्काल निर्माण शुरू करा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। जितने भी लोग बाहर से लौटकर उत्तर प्रदेश आए दोस्तों, उन सभी श्रमिकों को रोजगार देगी सरकार। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, योगी सरकार के बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि योगी सरकार अपने राज्य के लोगों के हित में कार्य कर रही है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने दाखिल की पहली चार्जशीट, चारू को बनाया आरोपी। जी हाँ दोस्तों, बता दें बड़ी खबर आ रही है दिल्ली दंगे से, जहां पर दिल्ली में हुए दंगे मामले में पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने और फायरिंग करने वाले शाहरुख समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली दंगे के दौरान जाफराबाद में शाहरुख का पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के सीने पर पिस्टल तानने और लोगों पर गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को 3 मार्च को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के दौरान फरार शाहरुख को यूपी के कैराना में पनाह देने के आरोपी कलीम को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी शाहरुख के पास से पिस्टल समेत अन्य हथियार भी बरामद किए। जी हां दोस्तों, तो शाहरुख के नाम से पहली चार्जशीट दाखिल हो गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर दीजिएगा अपनी राय। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देने के लिए रविवार को फ्लाई पास्ट करेंगे सशक्त बल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देने के लिए रविवार को देश के सशक्त बल फ्लाई पास्ट करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, सेना की तरफ से कोरोना के खिलाफ लड़ने वालों को धन्यवाद। डॉक्टर और नर्स, पुलिस, होमगार्ड और मीडिया का योगदान बहुत बड़ा रहा है। हम अपने लोगों को नहीं भूल सकेंगे जो कि सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, और हम इससे मिलकर जीतेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो लॉकडाउन का पूरे दिल से पालन कर रहे हैं और मोदी जी की हर बात को मान रहे हैं दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आप भी इन कोरोना योद्धाओं को दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा उनके बारे में। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना हो चुके स्पेशल ट्रेन, और देश हित में कार्य चल रहा है दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत अगुवा के तौर पर सामने आया है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सांसद का यह बड़ा बयान है। आपको बता दें, बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों कि अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा जैसी अहम चिकित्सा सामग्री को बड़ी मात्रा में अमेरिका को मुहैया कराने के लिए भारत की प्रशंसा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अगुवा के तौर पर सामने आया है। सांसद जॉर्ज होल्डिंग ने कहा, भारत अमेरिका के सबसे करीबी और महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है, और हमारे रिश्ते को हमेशा वॉशिंगटन में दोनों पक्ष का समर्थन प्राप्त रहा है। मैं आभारी हूँ कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक अगुवा के तौर पर सामने आया है, और मुझे खुशी है कि इस वैश्विक महामारी के दौरान हमारी खास साझेदारी मजबूत बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने कि अमेरिका जैसा देश भी भारत को लोहा मान रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत में जो ये दम आया है वो सिर्फ मोदी सरकार की वजह से दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में मोदी जी के बारे में 2 लाइन जरूर लिख दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी, अगर जरा भी अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दीजिए, और साथ ही अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा। धन्यवाद।